सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ICSE 2025 के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी चैप्टर सॉइल्स इन इंडिया। तो सॉइल्स इन इंडिया का जितना भी तुम्हारा मस्ट डू क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये है कि तुम जो भी क्वेश्चन सॉइल्स इन इंडिया चैप्टर से कर रहे हो, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ये तुम्हारा मस्ट डू के अंदर आता है। तो तुम मेक श्योर करना कि ये सारा जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका जो आंसर्स है वो तुम्हें यहाँ पर पता है अच्छे तरीके से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो एज यू ऑल गाइज कैन सी, यहाँ पर हम ज्योग्राफी का तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल्स इन इंडिया डिस्कस करेंगे। ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चन है। तो वीडियो जो है टू पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। दिस इज पार्ट वन, वेर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। बिसाइड्स दिस, यहाँ पर जो पार्ट टू है उसमें यहाँ पर कुछ तुम्हारा यहाँ पर जो गिव रीजन टाइप का क्वेश्चंस है, कुछ डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच पार्ट टू, जो कि इस वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी यहाँ पर जो पार्ट वन है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, नेम अ सॉइल दैट इज फाउंड ऑन द समिट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। सो दिस सॉइल इज लैटराइट सॉइल, लैटराइट, दिस इज LA LATERITE, लैटराइट सॉइल। Moving ahead to next question, that is question 2, that is suitable for dry farming. So soil that is suitable for dry farming, it is basically red soil. This is red soil. Or why is red soil red in color? Aisa question aa sakta hai give reason mein. So you have to write that red soil is red in color due to the presence of iron oxide. Next is number 3, that varies in texture. So soil that varies in texture, it is alluvial soil. Answer for question number 3, it is alluvial soil. This is alluvial soil. Next is question number 4, name the soil which is rich in iron oxide. तो अभी हमने just discuss किया था, it is red soil. Iron oxide में rich होता है, so it is red soil. Next question, question number 5, which is good for the cultivation of cashew nuts. So soil which is good for the cultivation of cashew, it is laterite soil again. So laterite soil. Next is question number six now. Question number 6 है तुम्हारा, covers almost all of West Bengal. So soil which covers almost all of West Bengal, it is alluvial soil. It is alluvial soil. Now next, moving ahead, next is question number 7, name the soil which is a result of leaching. So result of leaching, तुम्हारा यहाँ पर है laterite soil. Remember the answer. It is laterite soil. Next is question number 7. Question number 8. Which is most suitable for the cultivation of cotton? So soil which is most suitable for the cultivation of cotton, it is black soil. I hope you know this. Next hai tumhara yahan par question number 9. So 9 is makes up the delta of the river Ganga. So soil which makes up the delta of the river Ganga, it is alluvial soil. It is alluvial soil. So remember the answer. Now the last question for question number 1, jo ki sub part hai number 10, which is an important transport soil of India. So soil which is an important transport soil of India, it is alluvial soil again. So alluvial soil hai. स्पेलिंग तुम लोगों को पता होना चाहिए, ALLUVIAL. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम टू स्टेट्स एंड टू क्रॉप्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल. सो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर सपोज ब्लैक सॉइल लिखा है, तो तुम्हें इसका टू स्टेट्स बताना है जहाँ पर कि ब्लैक सॉइल पाया जाता है, मतलब कि ज़्यादातर पाया जाता है. और सेकेंड चीज़ तुम्हें बताना है दो क्रॉप्स, टू क्रॉप्स, यू नीड टू राइट द नेम्स ऑफ टू क्रॉप्स विच इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन दिस पर्टिकुलर सॉइल. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है तुम्हारा ब्लैक सॉइल. सो ब्लैक सॉइल का यहाँ पर तुम्हें टू इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स बताना है. सो क्रॉप्स का अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करें, सो हेयर बेसिकली कॉटन होता है, इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन. सो कॉटन एंड शुगर केन होगा. और यहाँ पर स्टेट्स भी तुम्हें बताना है, टू स्टेट्स वेर दे आर फाउंड मोस्टली. सो वन इज महाराष्ट्र, वन यू कैन राइट महाराष्ट्र, एंड सेकेंड यू कैन राइट
मध्य प्रदेश MP. सो देर आर मेनी स्टेट्स यू कैन रेफर टू योर बुक और तुम्हें जो भी ईजी लगे तुम लोग पढ़ सकते हो विच एवर यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट इज अलूवियल सॉइल. सो अलूवियल सॉइल टू क्रॉप्स यू कैन राइट वीट एंड राइस एंड यू नीड टू राइट टू स्टेट्स ऑल्सो. सो यू कैन राइट उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल मोस्टली फाउंड इन वेस्ट बंगाल. सो उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल हरियाणा यू कैन राइट एनी टू. नेक्स्ट मूविंग अहेड टू थर्ड क्वेश्चन रेड सॉइल. सो टू स्टेट्स वेर रेड सॉइल इज फाउंड. सो यू कैन राइट कर्नाटका तमिलनाडु एंड यू कैन ऑल्सो राइट ओडिशा. एंड टू क्रॉप्स अगर हम लोग डिस्कस करें रेड सॉइल का सो यू कैन राइट पल्सेज राइस कॉटन. कॉटन भी है लेकिन पल्सेज एंड राइस यू कैन राइट पल्सेज राइस. ये टू क्रॉप्स तुम लोग लिख सकते हो. नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 4 है लैटराइट सॉइल. सो लैटराइट सॉइल यू कैन राइट क्रॉप्स तुम लोग लिख सकते हो टी कॉफी रबड़ कैज्यू. और यहाँ पर स्टेट्स तुम लोग लिख सकते हो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. सो दीज आर द टू स्टेट्स विच यू कैन मेंशन. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन खादर एंड बंगर. सो बेसिकली खादर एंड बंगर जो सॉइल होता है उसका यहाँ पर तुम्हें 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताना है. तो तुम लोग ऐसे कॉलम बना लेना. एक तरफ तुम्हारा यहाँ पर सपोज खादर है. सो दिस साइड यू हैव खादर एंड बंगर इज दिस साइड. नाउ यू नीड टू राइट द डिफरेंसेस. फर्स्ट वन यू कैन राइट फॉर खादर इट इज न्यू अलूवियम. सो दिस इज न्यू अलूवियम. This is new alluvium and Bangar, this is old alluvium. तो तुम लोग लिख सकते हो first point में new and old. Second जो कि point है इसमें तुम लिख सकते हो it is fine grained. It is fine grained. FINE fine grained. GRAINED grained. और यहाँ पर जो Bangar है इसमें तुम लोग second point लिख सकते हो it is coarse grained. COARSE coarse grained. GRAINED grained. So it is fine grained and second one is it is coarse grained. फिर यहाँ पर जो third point है third point में तुम लिख सकते हो it is very fertile जो कि खादर रहता है. This is very fertile and for Bangar you can write it is less fertile as compared to खादर. So ये 3 points of differences है तुम लोग लिख सकते हो. Now next is name the soil which first one is sticky when wet and cracks when dry. So this soil is black soil. So तुम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा black soil and remember black soil is also known as regur soil. So it is also known as REGUR regur soil. Second part is makes up the delta of the river Ganga. तो हमने already इसका discuss किया है. This is alluvial soil. This is alluvial soil. Now moving ahead to question number 5. Question number 5 ka question hai name the area where the following erosion is found. First is sheet erosion. So it is found in the areas of Himalayas. You can write Himalayas and Nilgiris. NILGRIS. And second one is gully erosion. So for gully erosion, you need to write Chambal Valley. CHAMBAL, Chambal Valley. VALLEY. Now next question, this is the second last question. Mention any two causes of soil erosion in India. So two causes likhna hai. One, you can write deforestation. First one, you can write deforestation. Deforestation. And second reason, second cause for soil erosion in India, you can write overgrazing. So overgrazing is also one of the cause. So you can write overgrazing. Now the last question for this video, question number 7 or second part ke liye tum log yahan par stay tuned rehna. Second part bahut jaldi aane wala hai. So question number 7 is name the Indian soil which is formed due to the weathering of basic igneous rocks. So it is black soil. Answer will be black soil. This is formed due to weathering of basic igneous rocks. तो यहाँ पर basically तुम्हारा ये पूरा chapter का यहाँ पर revision हो गया होगा. Half हमने यहाँ पर questions discuss किया है. आधा questions अभी बाकी है जो कि part 2 के अंदर आने वाला है. So do follow the videos. और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी doubts है तो definitely तुम लोग मुझे नीचे comment कर पूछ सकते हो. So that's all for this video guys. Thank you so much for watching.